कीचड़ ज़्यादा नहीं है ना भैया, कीचड़ ज़्यादा नहीं है ना। क्योंकि अभी घर में सब सोए हुए, तो लेट्स गो देयर एंड टॉक टू यू गाइस। व्हाट इज अप बेब, गुड मॉर्निंग। सो आई केप्ट हर फेस दिस साइड बिकॉज़ मैं यूजुअली वैसे रखता हूँ जैसे मैं अपना स्कूटी को रखता हूँ, बट देन आज ऐसे फेस करके रखा हूँ बिकॉज आज राइट को जाने, कल रात मैंने घुमा के रख दिया था। द टाइम इज़ 7 AM राइट नाउ। तो हम लोग को पहुँचना था 7 बजे तक वहाँ पे सबको, एक्चुअली नॉट 7 बजे, 6:30 बजे, बट एज़ यूजल व्हेन यू हैव ए मोटो ब्लॉगर इन योर ग्रुप, आई मीन मोटो ब्लॉगर्स, क्योंकि हमेशा मेरा विक्रांत का तो ब्लॉग शूट में टाइम निकल जाता है। सो एनीवेज लेट्स गेट गोइंग गाइस। GoPro is on, bike ho chuki hai cold start, so let's go. चार्जो का पावर दे दो और बाकी जितना नॉर्मल रहेगा अनलीडेड उतना दे दो, है ना? 500 का पावर पहले। हाँ, 400 का। 400, 400 का पावर और अनलीडेड बाकी जितना जगह रहेगा, है ना? ओके, जीरो देखो। हाँ जी। कर चुका हूँ रिफ्यूल अपना गाड़ी पे एंड अभी सब लोग आ चुके हैं। वी हैव विक्रांत, वी हैव ऋषि एंड अदर गाय एज ए पिलियन, तो इंट्रोड्यूस कराते हैं। विक्रांत, ऋषि एंड दैट गाय, इंट्रो 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 सब इंट्रो दे दो भाई, इंट्रो दे दो, ऋषि तो दे दे भाई, इंट्रो दे दे अपना। न्यू गाय इन द हाउस विनय, ही विल बी ऋषि पिलियन, और आज का प्लान है खंडी, सो देखते अभी अगर वहाँ पे पुलिस का कुछ नाकाबंदी रहा तो हम लोग देखते, मतलब जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोशिश में क्या प्रॉब्लम है, कोशिश तो कर सकते हैं। अभी थर्सडे वीक में एक बार राइड नहीं हुआ तो मजा नहीं है। राघव भाई अगर तू देख रहा है ना, वी आर मिसिंग अ लॉट, राघव इज बीइंग मिस्ड अ लॉट। तो विनय जो है, बात करते करते अभी याद है, विनय जो अपना वो अपना अभी राघव का रिप्लेसमेंट है। तो हाँ जी, ये जो सेटअप है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को कोई क्लू नहीं है ये एंगल के बारे में, अगर कैम गिरा तो गिरा, क्या कर सकते हैं, यू नो एंगल अलग अलग नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ से हम देहू रोड जाएंगे, वहाँ पे चाय पियेंगे, देहू सेंट्रल। तो यहाँ से कितना किलोमीटर रहेगा, 5, चलो 4-5 पकड़ लो, वहाँ जाके चाय पियेंगे, उसके बाद वापस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तब तक आप ये एंगल का ना मज़े लेके देखो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा आ रहेगा। ऋषि ने बोला कि ही इज कैरिंग कॉफी एंड ऑल्सो कैरिंग कप्स, 4 कप्स फॉर अस। ऋषि, थैंक्स ब्रो फॉर दिस कॉफी। और हम लोग पेट्रोल पंप से लेके बस 5 किलोमीटर है, इतना देर से हम लोग बस बातें कर रहे हैं। 60 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग गया अपने को, बस 5 किलोमीटर कवर करना है, बात कर रहे थे हम लोग। और गर्मी भी बहुत हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, और भाई नाश्ता कैरी कर रहे हैं, भाई नाश्ता कैरी कर रहे हैं। आज क्या कैरी कर रहे हो? आज अपन कर रहे हैं आलू दे पूरी, आलू दे पूरी। और लास्ट टाइम आपने अगर ब्लॉग देखा है मेरा, तो उसमें हमने खाए चीज पराठे एंड आंटी, थैंक यू, आप अगर देख रहे हो बहुत सही था चीज पराठे आपका, आंटी ओपी, आंटी ओपी। हाँ भाई, क्या कैरी कर, अरे अरे नाश्ता वास्ता है, मतलब रेन गियर है। हम जब राइड पे निकलते हैं सब तैयार होकर निकलते, मेरा टॉप बॉक्स यूज होता है व्लॉगिंग किट एंड टूल किट, और इसका टॉप बॉक्स ओनली नाश्ता। ओके, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को लग रहा है कि हम लोग सिर्फ ये वीडियो के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम लोग मस्ती करते हैं। एक्चुअल में जो फन है ना, अपन वी गेट द वाइब, हम लोग की स्क्रिप्ट नहीं है। सुबह उठने के बाद जो ग्रूमिंग वॉइस आता है, सीरियस बात करते हैं, बिकॉज वो तब एडप्ट नहीं कर पाते माहौल के साथ, धीरे धीरे जब घर से निकल ये बोल रहा था। हाँ ब्रो, ओके, कट द क्रैप, चाय आई मीन कॉफी खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप।
दिस इज पुणे मुंबई टोल प्लाजा, फर्स्ट टोल प्लाजा। हम तो बीइंग टू व्हीलर, हमको ज़रूरत नहीं है, टू व्हीलर ऑलवेज रॉक्स। तो शायद मेरे ख्याल से, बिकॉज लास्ट ईयर मैं गया था, तो मेरे ख्याल से यही एक टोल प्लाजा जो कि फर्स्ट और लास्ट है। फिर उसके बाद हम एक राइट टर्न लेंगे, आगे एक जंक्शन आएगा, वहाँ हम राइट टर्न लेंगे। गॉट द टर्न, सीधा जाएंगे तो मुंबई लोनावला और हम निकले खंडी। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था, मैं बीमा पिलियन का पिलियन बन गया था। जो फील है ना खुद का गाड़ी लेकर, लास्ट टाइम पिलियन बन गया था यार। एग्जैक्टली, मैं तेरे को यही बोल रहा था, फील अलग फील आएगा। ये सब देखने के बाद लगता है कि आई विश आई हैड अ ड्रोन। ड्रोन रहने से कितना मस्त व्यू ले पाता आप लोगों के लिए। बट कोई नहीं, आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। यार रास्ता भी बहुत अच्छा बन चुका है, क्या क्या बताओ और क्या ही पता है। लास्ट ईयर सेम टाइम सेम सीजन, टाइम सेम नहीं है, सीजन सेम था, मॉनसून में मैं यहाँ पे बीमा पिलियन के साथ आया था। और आप अगर ब्लॉग नहीं देखे उनका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। एंड भाई नजारे देखो यार, नजारे देखो यार। आई विश आई हैड अ ड्रोन, बट नेवर दी लेस अभी जो है उससे काम चलाएंगे, कभी और ड्रोन लेंगे। क्योंकि बहुत लोग, आप लोग पूछ रहे हो कि यार ड्रोन ले ले, एक तो अच्छा अच्छा जगह घूमता रहता है। और कैसा लग रहा है भाई लोग? ओ भाई लोग, मे बी द लेंस इज नॉट डूइंग द प्रॉपर जस्टिस, बट इन पर्सन जो मजा आ रहा है ना, चुमेश्वर क्या ही बताए यार, क्या ही बताए। चलो तब तक आप टाइम लैप्स के मजे लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो 1 to 2 hours के बीच हम लोग ने एक साथ टाइम गुजारा है। तो मैं ये जो GoPro है, GoPro में विक्रांत का टॉप बॉक्स में उसको बिठाऊंगा, आई विल माउंट देयर, ताकि रियर व्यू मिले आपको। देखो यार, just away 60 kilometers away from my place, my house, and you get to see all this windmill, clouds, mountains, hill you can say. Wow, this is nature all about. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कैसा है ना, अपने को बार बार रुकना पड़ता है, बिकॉज अपन लोग के पास एक ही GoPro, तो एंगल चेंज कर करके अपने को टाइम लगता है। अगर 60 किलोमीटर भी हो तो अपने को आधा दिन तो निकल जाता है फुटेज ब्लॉगिंग। फिर हम लोग अगर फील नहीं करेंगे ना तो आप लोग को क्या बताएंगे? अगर आपका भाई फील ही नहीं कर रहा है तो बताऊंगा क्या? कंटेंट होना चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। यही जगह पे लास्ट ईयर एक पिक्चर लिया था मैंने, बीमा पिलियन का बाइक में बैठ के, उनका बुलेट में। देख लो इस बार तो क्लाउड बहुत सारे हैं, लास्ट ईयर तो एटलीस्ट वो विंड मिल जो है ना, विंड मिल सब क्लियर था, मतलब एटलीस्ट विंड मिल तक दिख रहा था। बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड हो रखा है। ऊपर से सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि हज़ारों का चक्कर में कहीं मैं खड्डे में ना डाल दूँ गाड़ी। How beautiful it is, how beautiful. I can see only one windmill over there, which is kind of clear, but
कुत्ता भी क्लियर नहीं है, बस मुझे दिख रहा है वो भी जैसे तैसे करके। जी तो हम स्टॉक में कैरी कर रहे चाय, और हम लोग कितना किलोमीटर से आ चुके हैं? 50। चलो 50 तक पकड़ लो, चलो 50, और आगे और भी जाना है। तो अभी हम यहाँ पे रुके कुछ फोटोग्राफी के लिए, जहाँ पे देखो फोटोग्राफी फोटो जहाँ पे यार पिक्चर लिया करो, क्या मैं क्या बोलता हूँ, पिक्चर लिया करो, वो सब मेमोरीज बन जाते हैं बाद में, घर में जाके रिग्रेट नहीं होता है। बहुत सारे पिक्चर्स मेरा तो हो गया, विक्रांत का भी हो गया, ऋषि का भी चल रहा है। तू ले रहा है क्या विनय? तो विनय ने मेरे को चाय दिया, मुझे थोड़ा खांसी है अभी, कोरोना वोरोना कुछ नहीं, मतलब अभी सीजन चेंज है ना, तो सीजनल फ्लू है वो मेरा, तो मेरे को खांसी हो रहा है, गले में किचकिच हो रहा था। तो विनय बोला कि भाई चाय पी ले थोड़ा, तो गर्मा गर्म चाय पी रहे हम लोग। का कॉफी जो लाया था ऋषिकेश ने थर्मस में, वो खत्म हो चुका है। तो हम लोग ने वापस वही शॉप से जहाँ पे चाय पी हम लोग सुबह, वहाँ पे हम लोग ने कॉफी चाय रिफिल कराया, चाय अभी कैरी कर रहे। दिस इज माई सेकेंड टाइम आफ्टर द रिफिल। तो वहाँ पे ब्रिज में एक बार पिया था मैं बैठ के, क्योंकि थोड़ा मतलब कॉफ होगा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी इसको खत्म करते हैं, फिर आगे जो व्यू है ना, आप अभी तक जो व्यू देखो ना आप लोग, उसका कंपैरिजन में वो जो व्यू ना आगे कुछ नहीं है। अब देखो अभी मिलते हैं वहां पे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो छोटा सा वाटरफॉल है कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, कितना ही खूबसूरत यार, बढ़िया दिख रहा है ना ऋषि? बहुत ज़्यादा बढ़िया। बस मतलब कैसे है ना, कैम में वो जज नहीं हो रहा है, ऐसे कैम में पता नहीं चलेगा, आंखें देखो। हाँ उसमें मतलब वो वाइब नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट इतना क्लियर दिख तो रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, क्या ही बताए, लाजवाब। मजाक में आपका ये छोटा सा पैच दिखा तो अंदर डाल दिया मैंने गाड़ी। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, देखो अभी धूप और अभी फॉग। विक्रांत है वहां पे, दिख नहीं रहा, एकदम ब्लर हो गया तू भाई, नहीं दिख रहा है। बस मतलब तेरा शैडो दिख रहा है कि एक बंदा है उधर और उसका बाइक, और हम है यहाँ पे। और ऋषि कैसा लग रहा है भाई अभी धूप, मतलब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड ड्रास्टिक चेंज इन एटमॉस्फेयर। दो मिनट पहले लिटरली पूरा ड्राई था, पूरा ड्राई था। और अभी अचानक फॉग और ड्रिजल्स। लास्ट ईयर तो मुझे बस ड्रिजल्स मिला, बट आज का टाइम अलग ही है, मतलब इट्स इन अवर फेवर है ना, पूरा देख लो एक बार गाइस, इधर से इधर अर्जित इधर यहाँ से दिखा, यहाँ से लोगों को लिटरली क्या दिख रही है नेबुला भाई, गलत पता नहीं जाके हम लोग को क्लियर विजन मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा कि नहीं। अगर मिला तो फुटेज कैप्चर करूंगा, नहीं मिला भी तो करूंगा, जितना हो सके करेंगे उतना। और जो जो फुटेज मेरा व्लॉग में नहीं है, विक्रांत भाई का व्लॉग में देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्योंकि यहाँ जो नहीं मिलेगा वहां सब मिलेगा, वहां जो नहीं मिलेगा यहाँ सब मिलेगा। एग्जैक्टली। और विनय क्रैप पकड़ते हुए, क्या खाएगा क्या आज इसको? खाऊंगा। घर लेके जाएगा? क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। आई माइट साउंड लो बट सोचना मत कि एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय बहुत कर रहा हूँ, बस वो मुंह में ना लाइक फेस में वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। विक्रांत भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बताओ भाई। गाइस एनर्जी भले लो हो पर जो वाइब है ना, वाइब है। यही रूट से लास्ट टाइम गए थे हम दोनों, मैं और बी माई पिलियन, मुकेश भाई अगर देख रहे हो तो याद आ रहा है क्या मुकेश भाई आपको? देख रहे हो तो कमेंट कर दो एक। अभी आ रहा है असली राइड का मजा, उन दिनों के याद आ गए। कीचड़ ज्यादा नहीं है ना भैया?
लास्ट टाइम तो यहाँ से पानी था, लिटरली यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। एक कहावत है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो इतना देर पेशेंस रख के मतलब तबीयत खराब था, लेकिन अभी जो आपने देखा है फुटेज, मतलब गोप्रो में 3% था, मैंने उसको यूज करके एकदम पूरा ड्रेन कर दिया। अभी गोप्रो चार्ज में लगा हुआ है। एंड जो ऑफ रोड का पैच था, मतलब वो नेकलेस पॉइंट का याद दिला दिया यार, क्या बोलता है विक्रांत? नहीं यार, नेकलेस पॉइंट नहीं, थोड़ा तो वाइब आ गया ना, मतलब उस दिन का वाइब, वो ऑफ रोड का वाइब आया। तो मैं उसको बोल रहा था, काश हमारे पास इंटरकॉम होता तो क्लियर आता कि मेरा वॉइस भी उसका व्लॉग में कैप्चर हो जाता। इंटरकॉम भी अगर कैसे आएगा पता है, मैं एक ना एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ आपको, इंटरकॉम कैसे आएगा हम दोनों के पास। आपको क्या करना है पता है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब समझ जाओ क्या बोलना चाहता है बंदा, समझदार जो है वो समझ जाएंगे। सपोर्ट मॉरल सपोर्ट मोटिवेशन। तो जो आप ये देखो, कहाँ है मंदिर? व्हाट इज द मंदिर? ओ मंदिर इज दिस साइड। तो ये जो पीछे जो मंदिर है कहाँ है भाई, नहीं आ रहा है? गांजा गांजा। ये जो मंदिर देख रहे हो आप, लिटरली ये हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ना, लिटरली इतना तक पानी था। अभी उधर डैम खोल दिया तो पानी कम हो गया, उसका जो लेवल है कम हो गया। लास्ट ईयर आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में आपको दिखेगा, तो लिटरली बहुत पानी था। लेकिन इस बार लकीली यहाँ तक आ पाए, वो भी अपना गाड़ी लेके यार, अपना गाड़ी लेके यार, मतलब अलग ही प्राउड जो है ना वो अलग ही है यार, क्या बताऊँ। हर चीज कैमरा में नहीं बताई जा सकती भाई। सही बात, बंदे ने दिल करने की बात है यार, दिल की बात छीन ली उसने। हम लोग नाश्ता नहीं किया यार सुबह से, क्योंकि राइड में जब निकलते हैं ना बाकी सब भूल जाते हैं भाई, सब भूल जाते हैं, मतलब लिटरली भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बोल रहे, एंजॉयिंग द राइड एंड एंजॉयिंग द व्यू बस, मतलब इसका सामने वो व्यू कुछ नहीं यार, मतलब क्या ही बताओ। तब तक आप टाइम लैप्स दे दूं क्या? दे 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 दे। अच्छा ठीक है, चलो भाई बोल रहे कि टाइम लैप्स दे दे, टाइम लैप्स एंजॉय करो आप लोग। हाँ जी, तो खाना वाना हो गया, पूरी दा आलू हम लोग निकाली है, जो कि विक्रांत ने लाया, आंटी जी ने बना के भेजे, तो बहुत ही टेस्टी लगा। एंड वी हैड अ गुड टाइम, एंड एवरी टाइम बिलीव मी गाइस, एवरी टाइम हम लोग निकलते तो अनप्लान रहते, मतलब डेस्टिनेशन मतलब प्लान करते लेकिन वो मतलब कंफर्म नहीं रहते, फिर भी हम लोग निकलते, निकल के मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते। तो उसी तरीके से हम लोग राइड पे भी मोटिवेट होते रहते। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग राइड पे निकलते हैं तो वी आर वेरी मच मोटिवेटेड एंड वेरी मच हैप्पी इन लाइफ, अपना भी लाइफ में अप एंड लोज रहता है, बट स्टिल वी कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि ये राइड है ना अपने लिए रिफ्रेशमेंट रहता है, मतलब वंस इन ए वीक। विक्रांत अपना करता है, मैं अपना करता हूँ, ऐसा नहीं कि अपना दोनों का कंटेंट सेम रहता है, भले ही एक साथ रहते हैं हम लोग कोलैब करते हैं, कोलैब नहीं मतलब वो कैसा ना अपना एक जोड़ी बन गया, मतलब भाईचारा। मतलब मैं ना जब घर से निकलता हूँ व्लॉग बनाऊंगा करके नहीं निकलता हूँ, सोच के नहीं निकलता हूँ, राइड पे जाना है। जब राइड पे आता हूँ ना, हम लोग का कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता, मतलब जो अंदर से फन निकलता है ना, द रियल फन ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल एंड एक्सप्लोरिंग अराउंड इज, मतलब अंदर से वो नेचर, मतलब पैशनेट है हम लोग बहुत उसके बारे में। तो बहुत हो गए सीरियस बातें, तो चलते अभी घर की ओर जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक ढाबे पे रुकेंगे, ढाबे पे रुक के हम खाना वाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग ने जो नाश्ता किया वो जस्ट मतलब लाइट, एक लाइट पेट को ये करने के लिए लाइट ब्रेकफास्ट था, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह, तो ब्रेकफास्ट कर लिए थोड़ा सा हल्का सा। तो जाएंगे अभी लंच, अच्छा सा लंच करेंगे, अच्छा खासा लंच करके फिर घर की ओर जाएंगे। उससे पहले अगर बीच में कोई अच्छा व्यूज नज़ारे आए तो ज़रूर रुकें। इससे वादियों को टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग निकल पड़े घर की ओर। तू पूछ रहा था ना हम लोग कैसे जाएंगे, देख हम लोग ऐसे आए, वी टुक ए सर्किट ऑफ होल खंडी, यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट, वी टुक द राइट, ओके। हाँ पूरा खंडी का सर्किट मारे हम, ये पूरा सर्किट मार के इधर से निकले, सही सफर है। इसीलिए जो भी इधर से जाते हैं ना दे टेक यू टर्न, क्योंकि उधर से ना पूरा 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, और ऐसा आएगा ना तो 15 किलोमीटर, समझ रहे? तो लोग ऐसे नहीं आते, ज़्यादातर उधर तक जाके बस यू टर्न मारते। डायरेक्टली गोप्रो ऑफ करने के बाद हम लोग इधर आके सीधा सांगरेला पे आके रुके, एंड आते ही हमने ऑर्डर किया मंचाओ द सूप
आफ्टर पूरी द आलू के बाद, पूरी द आलू ठीक बोला ना अभी, वो भाई कर दिया मैंने पूरी द आलू, जिसके वजह से हम लोग को 5-6 बार रीटेक करना पड़ा, आपका भाई सीख गया पूरी द आलू। और अभी पूरी द आलू दिन में खाए थे यार, अभी हम लोग कितना साल खाई देख, देखो टाइम बताऊं 6:34 तो अभी स्टार्टर मंगाए जो चिकन मंचाउ सूप, और उसके बाद हम मंगाएंगे पता नहीं अभी प्लान डिसाइड नहीं हुआ है तब भाई भाई ठूसते ठूसते ठीक है ठूसते हाँ यार भावना में बह जाते हो यार हर बार शॉट चालू करके अपने में क्या करूँ यार मतलब मेरा तबीयत जो खराब है ऐसे यहाँ पे मेरा नाम बाद में बात गुड राइड एंड विद गुड फूड बहुत हो गया राइड आज का खाना वाना ठूस लिए और अब भी हम सीधा जाएंगे घर, यही तक ही आज का ब्लॉग है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और विक्रांत भाई कुछ बोल रहे सबको कुछ बोल रहे कैसा रहा राइड ये बताओ। अरे बहुत सही था यार, रिफ्रेशिंग था और फोन का अभी बैटरी डाउन हो चुका है एकदम एकदम से, अभी गोप्रो से मैं सोचा कि मोटो ब्लॉग करते करते मैं एंड कर दूंगा लेकिन नहीं, लेकिन ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने में मजा आता है। चीज पराठे खाते खाते चीज पराठा आज चीज पराठे हाई हो गया, चीज पराठा इज लव। तो आज के लिए इतना है, that's it for today. Right to learn, right to learn, explore and adventure in you.